देश के पहले गृहमंत्री लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144वीं जयंती पर पानीपत के लघु सचिवालय में रन फॉर यूनिटी आयोजित की गई। इस अवसर पर पानीपत उपायुक्त सुमेधा कटारिया द्वारा सभी बच्चों, पधारे हुए विधायकों के साथ सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता अखंडता की शपथ दिलाई। इस देश की एकता और अखंडता, इस देश की संप्रभुता, इस सब को और आगे हम लोग कैसे लेके जाएं, इस दिशा में हम सब नौजवानों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हमें अपनी भूमिका को समझना पड़ेगा कि हमें इस देश को किस ओर लेके जाना है। जैसा कि प्रमोद विज जी ने भी कहा कि 565 रियासतों को मिला के इस देश को एक करने का काम ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हम लोगों को कहा था कि अगर हमने इस देश को दुनिया का सर्वप्रिय देश बनाना है तो अपने देश के लोगों की एकता और उसकी अखंडता को हमने ध्यान में रख के अपना कदम उठाना पड़ेगा। रन फॉर यूनिटी आज जो कार्यक्रम है ये सिंबॉलिक है, बट ऑर्गेनाइज इन ए वेरी गुड मैनर। आप उस जगह को याद करिए, उस दिन को याद करिए जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये रन किया था, रन फॉर यूनिटी। फ्रीडम के बाद जो 565 जो राजा महाराजा थे, उनकी स्टेट्स थी, वो भारत में शामिल होने के लिए राजी नहीं थे, वो था रन फॉर यूनिटी। उन्होंने इतना प्रयास किया, सबको मनाया, हिंदुस्तान को एक किया, इसके लिए हम उनके ऋणी हैं, हम धन्यवाद करते हैं आज। और ये सिंबॉलिक रन फॉर यूनिटी जो सभी जिलों में आज ऑर्गेनाइज किया जा रहा है हरियाणा के, मैं प्रदेश सरकार का, माननीय मनोहर लाल जी का, और यहाँ खास करके अपने एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप सब बच्चों का, स्कूल का, क्या पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ आए हैं। और ये दिन हम हर साल इसी तरह मनाते रहे, आप सबका सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। अर्थ प्रकाश के लिए पानीपत से मदन ब्रेजा की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।